हेलो एवरीवन तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ तो आज का पहला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वीमेन टू बिकेम द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट ठीक है फर्स्ट ऑप्शन है एनी बे सेकंड है सरोजनी नायडू थर्ड है पद्माजा नायडू और फोर्थ है राजेंद्र कुमारी वाजपेयी ठीक है और दूसरा क्वेश्चन है व्हेन डिड यू एन एस सी फॉर्म यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कब बनी थी ठीक है ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी फाइव ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ नवंबर नाइनटीन फोर्टी सिक्स ट्वेंटी फोर्थ ऑफ नवंबर नाइनटीन फोर्टी फाइव या ट्वेंटी सिक्स ऑफ डिसम्बर नाइनटीन फोर्टी फोर ठीक है इसके आंसर मैं आपको बताऊँगा वीडियो के एंड में तो स्टार्ट करते हैं आज डेट है थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू और पहला हमारा जो आर्टिकल है वो है यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर आपको पता होगा कि इंडिया ने करंटली यू एन एस सी सी टी सी मीटिंग होस्ट करी है ठीक है मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स काउंटर टेररिज्म कमेटी ठीक है अब यू एन ए क्या है और काउंटर टेररिज्म कमेटी क्या है ये जानते हैं ठीक है यू एन एस सी हैज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ठीक है इसका क्या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ठीक है और सीटीसी जो ये काउंटर टेररिज्म कमेटी है ठीक है ये इस्टेब्लिश की थी यूएस ने कब आफ्टर नाइन इलेवन अटैक ठीक है तो अब यू कब बनी ये तो मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा है ये आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा बाकी जानते हैं यू के बारे में यू के टोटल फिफ्टीन मेंबर्स होते हैं इनमें पांच मेंबर जो हैं वो परमानेंट होते हैं जैसे जो वीटो पावर कंट्रीज हैं चाइना फ्रांस रशिया यूनाइटेड किंगडम इंक्लूडिंग नॉर्दर्न आयरलैंड और यू ये पांच कंट्रीज जो हैं ये परमानेंट मेंबर्स हैं और जो ये दस नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये हर दो साल में चेंज होते हैं हर ये दो साल के टाइम पीरियड के लिए बनती हैं ठीक है और करेंटली इंडिया भी जो है यू का पर, जो है नॉन परमानेंट मबर है इंडिया भी ठीक है इंडिया होस्टेड अ स्पेशल मीटिंग ऑफ यू एन टू डिस्कस अबाउट यूज़ ऑफ न्यू एंड इमरजिंग टेक्नोलॉजीज फॉर टेररिस्ट परपज इंडिया ने जो ये अभी मीटिंग होस्ट किया है क्या डिस्कस करने के लिए कि जो अपना टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है टेररिज्म में ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं जो वर्चुअल एसेट्स होते हैं या फिर क्रिप्टो करेंसीज़ का जो यूज़ हो रहा है ठीक है ये सबको डिस्कस करने के लिए और जो भी मीटिंग्स होती हैं यहाँ पे न्यू डेली में इंडिया में तो जो उनका आउटकम होता है उसे कहते हैं डेली डिक्लेरेशन और जो इस बार जो दिल्ली डिक्लेरेशन था उसको एडॉप्ट कर लिया है काउंटर टेररिज्म कमेटी ने ठीक है अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिलीजन्स ऑफ राजवन अब हुआ क्या है कि आपको पता है अभी जो करंटली चल रहा है केरला में जो वहाँ के गवर्नर वहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद ठीक है उनके और जो करंट गवर्नमेंट है केरला के उसके बीच ठीक है अब आपको पता है जो करंट गवर्नमेंट है उनका अपना गवर्नर तो होता नहीं है जो गवर्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और जब जो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी है और जो स्टेट पार्टी है अगर ये अलग होती हैं तो ऐसे इश्यूज़ बहुत देखने को मिलते हैं हमारे काम का क्या है हमने गवर्नर की पोजीशन और पावर जानी है ठीक है अब आर्टिकल वन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल वन है वो कहता है कि द गवर्नर अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स गवर्नर अपॉइंट करता है स्टेट के चीफ मिनिस्टर को और बाकी मिनिस्टर्स को अब ऐसा नहीं है कि गवर्नर किसी को भी अपनी मर्जी से अपॉइंट कर लेगा एज अ चीफ़ मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ द स्टेट वो जो पार्टी इलेक्शन जीत जाती है और जो मेजॉरिटी पार्टी बनती है ठीक है मेजॉरिटी पार्टी जो होती है उसका जो लीडर होता है उसको वो सी बनाते हैं और सी के एडवाइस पे गवर्नर बाकी मिनिस्टर्स को क्या करते हैं अपॉइंट करते हैं ठीक है फिर आर्टिकल 164 क्लॉज वन इसको पहले डिस्कस करते हैं इसके बाद बाकी जो 163 सिक्सटी थ्री वन और टू वो भी डिस्कस करेंगे ठीक है 164 1 क्या कहता है ये कहता है मिनिस्टर शेल होल्ड ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ गवर्नर के मिनिस्टर तभी तक अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं जब तक कौन चाहेगा गवर्नर पर ऐसा भी कब होता है वो अपने ऐसा नहीं है गवर्नर की अपनी मर्जी है इनकी डिस्क्रिप्शन ऐसा नहीं है जब अगर उनको चीफ मिनिस्टर कह दें कि इस पर्टिकुलर मिनिस्टर को रिमूव करना है तो फिर वो करेंगे ठीक है अब नेक्स्ट है आर्टिकल 163 सिक्सटी थ्री क्लास वन ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट एड एंड एडवाइज द गवर्नर कोई भी काम करने पे जो क्या करेगी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या करेंगे गवर्नर को एड एंड एडवाइज़ करेंगे ठीक है मतलब उनको सलाह देंगे ठीक है और जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल वन सिक्सटी थ्री टू ये कहता है कि द गवर्नर कैन एक्ट इन डिस्क्रिशन इन सर्टन मैटर्स एज परमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन के जो गवर्नर है वो अपनी मर्जी पे भी कुछ डिसीजन ले सकते हैं लेकिन वही डिसीजन जो उनकी डिस्क्रिशन पावर में दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ठीक है दिस वुड मीन दैट द गवर्नर इज जनरली बाउंड बाई द कैबिनेट डिसीजन ठीक है मतलब वो बाउंड है उनको हर डिसीजन कैबिनेट की मर्जी से लेना पड़ेगा लेकिन एक्सेप्ट सर्टन मैटर्स कौन से मैटर्स जो उनकी डिस्क्रिप्शन पावर में आते हैं अभी नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बीएसपी पार्टी है यूपी की वहाँ की फॉर्मर सीएम है मायावती उन्होंने करंट गवर्नमेंट के बारे में कुछ कहा है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में इतना डिस्कस क्यों कर रहे हैं उनकी पोजीशन सही नहीं है बट वो पॉलिटिकल मुद्दा हमारा इतना आ, हमारा फोकस नहीं है हमारा फोकस है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या है और आर्टिकल फोर्टी क्या है ठीक है यूनिफॉर्म सिविल कोड आप पहले जानते हैं आर्टिकल फोर्टी द स्टेट शैल इंडेवर टू सिक्योर फॉर इट्स सिटीजन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया अब क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड विल प्रोवाइड वन लॉ फॉर द इंटायर कंट्री पूरी कंट्री के लिए एक ही लॉ होगा अब आप कहेंगे कंट्री के लिए एक ही लॉ तो है पर कौन से मैटर्स में एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कम्यूनिटीज इन देयर पर्सनल मैटर्स सच इज मैरिज डाइवोर्स इन्हेरिडेंस अडोपन एक्सेप्ट जैसे आपको पता होगा कि जो ऐसे मैटर्स होते हैं मैरिज या डाइवोर्स के इसमें इसके लिए इंडिया में मुस्लिम पर्सन लॉ है हिंदू पर्सन लॉ है तो उसके अकॉर्डिंग इसको डील किया जाता है लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर ये एक डी है डी पी एस पी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ठीक है ये आर्टिकल फोर आर्टिकल फोर्टी फोर डी पी एस पी के अंडर आता है और जो डी पी एस पी है ये नहीं है ये नहीं है ठीक है ठीक है अगर आप गवर्नमेंट का लॉ बनाती है और आर्टिकल फोर्टी फोर को इन्फोर्सेबल कर देती है जो ये डीपीएसपी के अंडर है तो फिर ऐसा लॉ बन सकता है फिर जो पर्सनल लॉज हैं उनके अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हर जो मैटर है इसको डील किया जाएगा ठीक है पूरी कंट्री के लिए सिर्फ एक ही यूनिफॉर्म लॉ होगा सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडे तो हम अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के आंसर्स तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि कौन है जो फर्स्ट वमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट वह है सरोजिनी नायडू शी वॉज ऑल्सो फ्रीडम फाइटर और सेकेंड है कि यू एन एस सी का फॉर्म हुआ था ठीक है ये हुआ था ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी फाइव ठीक है थैंक यू सो मच गाइज वॉच द वीडियो मेक द नोट्स एंड रिवाइज वीकली टेक केयर